हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम एक पोर्टफोलियो लेके आए हैं जो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा आने वाले कुछ सालों तक। तो इसमें ये 8 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। तो एक एक करके मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं। बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक पोर्टफोलियो ये रहने वाला है। तो पहला जो स्टॉक रहेगा मेरे इस पोर्टफोलियो में, वो रहेगा दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में, FD से ज्यादा रिटर्न दिया है दीपक नाइट्राइट ने। एंट्री पॉइंट्स गुड है, इस समय हम कंसीडर कर सकते हैं। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं इसको बाय करने के लिए। डिविडेंड यील्ड 2.27% की डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर PE 30 है एंड इनका जो PE रेशियो है 36.29 पे ये ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है दीपक नाइट्राइट का। 5 ईयर का आप चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सॉलिड चार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस हम एक बार दीपक नाइट्राइट का देख लेते हैं। वीकली एंड मंथली हर एक पैरामीटर पर स्टॉक बुलिश है। EPS दीपक नाइट्राइट की जो EPS 49 पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू शेयर की 115 शेयर का आप चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सॉलिड चार्ट है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है शेयर का। कंपनी ने बोनस भी दिया है, तो बोनस के लिहाज से एंड डिविडेंड्स के लिहाज से भी शेयर बहुत ही सॉलिड है। रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रो कर रहा है। EPS भी कंपनी की ग्रो कर रही है। ROE 39 की ROE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पहला मेरा जो स्टॉक रहेगा पोर्टफोलियो का वो दीपक नाइट्राइट, एंड सेकंड जो स्टॉक है वो रहेगा फार्मा सेक्टर से आरती ड्रग। आरती ड्रग ने भी FD से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। एंट्री पॉइंट इस समय गुड है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। 5 ईयर का आप चार्ट देखेंगे, बहुत ही सॉलिड चार्ट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है जब से शेयर ने बोनस इशू किया है। बोनस शेयर जब से कंपनी ने दिए हैं, जब से कंसोलिडेशन के फेज में शेयर चल रहा है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए। एंड इनका भी एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। हर एक टेक्निकल पैरामीटर पर वीकली एंड मंथली शेयर बुलिश फेस में ही आपको नजर आएगा। शेयर की फेस वैल्यू 10 है, EPS 31 है, बुक वैल्यू 70। शेयर का डिविडेंड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। बोनस भी कंपनी ने हाल ही में बोनस दिया है 3:1 में। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, EPS भी आप देख सकते हैं, ग्रो कर रही है। आरती ड्रग 22 की ROE पे ट्रेड करता है। थर्ड जो स्टॉक है वो भी फार्मा सेक्टर से है, लॉरस लैब। आप देख सकते हैं FD से ज्यादा इसने भी रिटर्न दिया है। 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। फाइनेंशियल ट्रेंड आप टेक्निकली एनालिसिस अगर इनका करना चाहते हैं इस शेयर का, वीकली एंड मंथली मोस्टली पैरामीटर्स पे बुलिश है स्टॉक लॉरस लैब। फेस वैल्यू 2 है, 15 की EPS पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 33 है स्टॉक की। सारे पैरामीटर्स पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉक का। बोनस भी शेयर ने नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। EPS भी शेयर की धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ROE 15 की ROE पे शेयर ट्रेड करता है। फोर्थ जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का, बालाजी MI स्पेशलिटी केमिकल से। 5 ईयर का चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत तेजी से स्टॉक ने ग्रो किया है कुछ ही महीनों में। ये भी FD से ज्यादा रिटर्न जनरेट इसने भी करके दिखाया है। 100% इन्वेस्ट होल्ड रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। टेक्निकली एनालिसिस आप शेयर का देख सकते हैं।
एवरी सेक्टर, एवरी इंडिकेटर पे स्टॉक बुलिशनेस दिखा रहा है वीकली एंड मंथली। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 है, 57 ईपीएस पे स्टॉक ट्रेड करता है, 206 बुक वैल्यू पर शेयर है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका चार्ट बहुत सॉलिड चार्ट बना हुआ है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका भी सॉलिड है, कंपनी ने बोनस भी दिया है, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस दोनों ही ग्रो कर रही हैं। आरओई 15 के आरओई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो का स्टील सेक्टर से एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसने भी एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दिखाए हैं। 88% एनालिस्ट बोल रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। स्टॉक का चार्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही सॉलिड स्टॉक का चार्ट है, धीरे 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 ग्रो कर ही रहा है। टेक्निकली ट्रेंड अगर हम देखते हैं स्टॉक का, बहुत ही सॉलिड टेक्निकल ट्रेंड है। हर एक इंडिकेटर पर स्टॉक वीकली एंड मंथली इंडिकेटर पर बुलिश है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 2 है, ईपीएस 24 पे ट्रेड कर रही है एंड 116 की बुक वैल्यू पर शेयर है। शेयर का आप देख ही सकते हैं बहुत ही सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है एंड शेयर का चार्ट भी बहुत ही सॉलिड है। डिविडेंड शेयर ने हमेशा दिया है, बोनस भी शेयर ने दिया है, नेट प्रॉफिट कंपनी का धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ईपीएस भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। एपीएल अपोलो 17 की आरओई पे ट्रेड करता है ये शेयर। नेक्स्ट शेयर जो है वो आईटी सेक्टर से एफएल इंडिया, इसने भी एफडी से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, सॉलिड एंट्री पॉइंट है, आप ले सकते हैं शेयर को। 33 पर एनालिस्ट जो है शेयर को रिकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए। इसका भी मैक्सिमम आप चार्ट एक बार देख सकते हैं, ग्रोइंग फेस में है शेयर। टेक्निकल इंडिकेटर में आपको मैं आपको दिखा देता हूं, शेयर टेक्निकली बुलिश है, वीकली एंड मंथली बेसिस पे टेक्निकली आपको बुलिश दिखेगा। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है दोस्तों, ईपीएस 35 पे ट्रेड करती है, बुक वैल्यू पर शेयर 90 रुपीज है। शेयर ने अभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है, ना ही कोई बोनस अभी तक दिया है। नेट प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ईपीएस भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। एफएल इंडिया 29 के आरओई पे ट्रेड करता है शेयर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से शेयर है, एफडी से ज्यादा इसने भी रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम आप इनका अगर चार्ट देखेंगे दोस्तों, ये भी ग्रोइंग फेस में है, 76 एनालिस्ट इसके भी बोलते हैं स्टॉक को बाई करने के लिए, 76% एनालिस्ट। टेक्निकली शेयर ये भी बुलिश रेंज में है, आप देख सकते हैं दोस्तों हर एक पैरामीटर पर शेयर बुलिश रेंज में है। शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 है, ईपीएस 24 पे ट्रेड कर रही है, 92 के समथिंग शेयर की बुक वैल्यू है। शेयर ने डिविडेंड भी दिया है, नेट प्रॉफिट दोस्तों धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 22 की आरओई पे शेयर ट्रेड करता है, हनीवेल की जो 22 की आरओई है उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के लगभग बिल्कुल इक्वल आरओई डिक्सन टेक्नोलॉजी की है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक है वो अंबर एंटरप्राइजेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अंबर एंटरप्राइजेस, इसने भी एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा के दिए हैं। मैक्सिमम आप शेयर का जो चार्ट देखेंगे बहुत ही सॉलिड चार्ट है, शेयर का बुलिश फेस में है, 60% एनालिस्ट शेयर को बाई करने के लिए बोल रहे हैं। शेयर का आप टेक्निकली एनालिसिस अगर देखेंगे दोस्तों, शेयर टेक्निकली अपने बुलिश फेस में चल रहा है, हर एक पैरामीटर पे वीकली एंड मंथली एवरी इंडिकेटर से शेयर टेक्निकली बुलिश है,
एंड शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 है। 20 की ईपीएस पे शेयर ट्रेड करता है, बुक वैल्यू 346 रुपीज है एंड शेयर ने अभी डिविडेंट के बारे में हम देख लेते हैं। शेयर ने डिविडेंट भी दिया है, बोनस अभी शेयर ने दे दिया है, अभी कुछ ही समय में शेयर अभी लिस्टेड हुआ है एंड प्रॉफिट देखिए दोस्तों, धीरे 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 नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है और पीएलआई स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम से, उनसे भी इनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। आरओई 14 की आरओई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा ये पोर्टफोलियो, जैसा कि मुझे लगता है। आप भी ये सारे स्टॉक्स एक बार देख सकते हैं, इनके बारे में एक बार आप जरूर देख सकते हैं। और आपको ये पोर्टफोलियो मेरा कैसा लगा आप मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम इक्वल वेट के अकॉर्डिंगली अगर हम करते हैं स्मॉल केस जड़ौदा के थ्रू इक्वल वेट, तो आपका 41,460 रुपीज इस समय शेयर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये सारे शेयर्स की वैल्यू रहेगी एंड प्राइसिंग जो शेयर की चल रही है वो आप देख सकते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एफएल इंडिया, एपीएल अपोलो, बालाजी एमआईएन, लॉरस लैब्स, आरती ड्रग्स, दीपक नाइट्राइट, ये 8 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही सॉलिड पोर्टफोलियो रहने वाला है आने वाले 2 से 4 साल के लिए। तो दोस्तों आप ये पोर्टफोलियो कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।